दोबाकी रुकने असेंबली रघुनंदन राव ने असेंबली में कहा कि हुकूमत हिंद ने कहीं भी जरई मोटरों पर मीटर लगाने के लिए नहीं कहा है और बताया कि कमजोर तबकात को दी जाने वाली बिजली सब्सिडी को मनसूख करने के लिए मरकज के तैयार करदा बिजली तरमीमी बिल में कोई जगह नहीं है। इस पर झूठा प्रोपेंडा किया जा रहा। देखिए उनका हाईटेक न्यूज से बात करते हुए इस जमन में मजीद क्या कहना है। बिल सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो प्रपोज किया वो पार्लियामेंट में आज तक पास ही नहीं हुआ। वो बिल वाज सेंट टू द सेलेक्ट कमिटी बाय द हॉनरेबल स्पीकर ऑफ लोकसभा। व्हेन द बिल इज नॉट पास्ड, व्हेन देयर वाज नो डिस्कशन अबाउट द बिल एंड व्हेन द बिल इज ऑलरेडी सेंट टू द सेलेक्ट कमिटी, आज आके शासनसभा में हॉनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने मुनगोडू इलेक्शंस के सामने है बोल के उसके हिसाब से बात करते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट को बदनाम करने के लिए दो घंटा मौका लेके दो घंटा हाउस चला के चले गए। उससे अलावा तीन मेंबर है तुम्हारे से क्या होता बोल रहे ना, तीन मेंबरों को तीन मिनट देने में क्या इतराज है आपको? आप डेमोक्रेसी के बारे में बात कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट किसी दूसरा पार्टी को बात करने का मौका नहीं दे रहा, किसी और को बात करने का मौका नहीं दे रहा, फिर इधर आप क्या कर रहा? आप भी वही काम कर रहे हैं ना, जो लोग आपको भजना कर रहा, जो लोग आपको तारीफ कर रहा उन लोगों को आप अप्रिशिएट कर रहा और उन लोगों को मौका दे रहा, मगर जो लोग आपको पॉजिटिव क्रिटिसिज्म करने के लिए तैयार है उन लोगों को माइक नहीं दे रहा। ये दो चीज़ों को कैसा देना सीएम साहब लोगों को समझाना बोल के मैं पूछूं।